नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स की पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं 22 फरवरी 2019 के करेंट अफेयर्स के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो का PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तथा वीडियो को आप पूरा देखें, पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक और बात आपको बतानी थी मित्रों कि BHU का इंट्रेंस फॉर्म आ चुका है 10 फरवरी को ही। और जो भी BHU इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह जाके अपना BHU फॉर्म डाल सकते हैं। BHU इंट्रेंस से संबंधित मैं जो है अभी तक BA 2018 का जो सॉल्यूशन पेपर है वो, और LLB BHU इंट्रेंस 2018 का भी सॉल्यूशन पेपर डाल चुका हूँ। मैं दोनों का वीडियो डाल दिया हूँ और BHU इंट्रेंस से संबंधित और भी जितने पेपर्स हैं और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। तो जो भी BHU की तैयारी कर रहे हैं वह उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। पहला सवाल है, पाकिस्तान सरकार ने किस आतंकी संगठन पर बैन लगा दिया है? इसका आंसर होगा जमात उद दावा। जमात उद दावा आतंकी संगठन पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगा दिया है। जमात उद दावा के साथ साथ फलाह ए इंसानियत पर भी पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों संगठन का जो मुखिया है वह कौन है? इन दोनों संगठन का मुखिया, मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, वह इन दोनों संगठन का मुखिया है। ठीक है, हाफिज सईद जो है वह जमात उद दावा और फलाह ए इंसानियत आतंकी संगठन का मुखिया है। तो बैन पाकिस्तान सरकार ने लगाया है, तो हम पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहाँ के राष्ट्रपति जो है वह हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। ठीक है, अब अगला सवाल है, भारत ने किस देश में जाने वाली नदी का पानी रोकने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। भारत सरकार ने पाकिस्तान में जाने वाली नदी का पानी रोकने की घोषणा की है और भारत सरकार इसके तहत 3 नदियों का पानी रोकेगा, सतलज, ब्यास और रावी। एक बार फिर से सुने, सतलज, ब्यास और रावी, ना कि सिंधु। इसमें सिंधु नदी नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे, सतलज, ब्यास और रावी, इन तीनों नदी का जो पानी पाकिस्तान में जाता है वह अब भारत सरकार ने रोकने की घोषणा की है। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने की है। ठीक है, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान में जाने वाली 3 नदी, सतलज, ब्यास और रावी नदी के पानी रोके जाने की घोषणा की है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? इसका आंसर होगा क्रिस गेल। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले 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 बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छा, इससे पहले इसका रिकॉर्ड जो था वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पूर्व क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी, उनके नाम था। अब क्रिस गेल 488 छक्का लगाकर विश्व में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच में उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया, वह किसी एक देश के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब आज तक कोई भी बल्लेबाज किसी एक देश के खिलाफ 100 छक्का नहीं लगाया था। अब क्रिस गेल इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड टीम है उसके खिलाफ 100 छक्का लगा दिए हैं और विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो किसी एक टीम के खिलाफ 100 छक्का लगा चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में क्रिस गेल ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और वह उन्होंने कहा है कि वह 2020 जो है वह खेलेंगे लेकिन वनडे से संन्यास ले लेंगे। अगला सवाल, BCCI का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा जस्टिस DK जैन। जस्टिस DK जैन को BCCI का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI का पहला लोकायुक्त पूर्व जज जस्टिस DK जैन को नियुक्त किया है और इसके साथ साथ एक और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रवि थोडगे, इनको COA का सदस्य नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान होगा जो COA है उसका नेतृत्व जो है वो पूर्व कैग जो अध्यक्ष थे विनोद राय वह कर रहे हैं और BCCI का जो भी संचालन अभी चल रहा है वह COA के द्वारा ही चल रहा है, जिसके अध्यक्ष
जो है वह विनोद राय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो नियुक्ति की है, सबसे पहले जो है प्रथम लोकायुक्त बीसीसीआई का बनाया है जस्टिस डीके जैन को, और सीओए का एक सदस्य बनाया है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है रवि थोगडे उनको, ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई की बात हो रही है तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह हैं सीके खन्ना, ठीक है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब क्यों मनाया जाता है? यह जो है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फैलाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। सबसे पहले यह जो है किस देश में मनाया गया था? सबसे पहले यह बांग्लादेश जो है उसी के पहल पे यह मनाया जाता है। यूएन ने 1999 में इसकी घोषणा की थी और 2000 ईस्वी से 21 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है अब अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है उसका थीम क्या था? इस बार का थीम था विकास, शांति और संधि में देशज भाषाओं के मायने, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ है और यह एक माह का फेस्टिवल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नेपाल की नई पीढ़ी को नेपाल और भारत के समानता से परिचित करवाना। इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन जो है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र नेपाल में जो है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र वहाँ पे भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह 21 फरवरी से 21 मार्च तक एक माह का फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ मनाया जा रहा है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वह हैं केपी ओली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, और वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका? विद्या देवी भंडारी। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है और यहाँ की भाषा जो है वह नेपाली और मैथिली है। अभी आपको हाल ही में याद होगा कि एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जो 2018 का हुआ था वह नेपाल में ही हुआ था, और नेपाल सरकार ने 2500 और 200 के नोट जो हैं, जो भारतीय नोट हैं 2500 और 200, उस पर रोक लगा दिया था, ठीक है। अगला सवाल है भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चौथा भारत आसियान सम्मेलन और एक्सपो सम्मेलन जो है चौथा भारत आसियान एक्सपो एवं शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। मतलब 21 को शुरू किया गया है और 23 को ख़त्म होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अच्छा, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से सुनिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, और इसमें कुल 10 देश हैं, और इन 10 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें 2018 की जो हमारा गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अच्छा, इसमें जो 10 देश हैं वह 10 देश कौन कौन हैं? 10 देश हैं वह सुनिए कौन कौन हैं। वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये 10 देश जो हैं वह आसियान के सदस्य हैं। और यह जो सवाल था भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। अब अगला सवाल है सिकरिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में सिकरिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन 20 फरवरी को किया गया है, और उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन भारतीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया था।
ठीक है। और यह भारत का 18वां फूड पार्क है, यह भारत का 18वां फूड पार्क है। तो सिकरिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? विप्लव कुमार देव। और यहाँ के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी हैं। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अगला सवाल, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया गया है। स्कूलों को डिजिटल करने के लिए अर्थात प्रत्येक स्कूल में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करवाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 2022 तक सभी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करवाना, ठीक है। और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब अगला सवाल, हाल ही में सूरज बड़जात्या का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका आंसर होगा फिल्म निर्माण। सूरज बड़जात्या जो थे वह फिल्म निर्माण से जुड़े थे और इनका निधन जो है अभी हाल ही में मुंबई में हो गया था। इनके द्वारा कौन कौन सी मूवी का निर्माण किया गया है? उसमें से जो मुख्य फिल्में हैं वह हैं हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो, विवाह। इन सब मूवी का जो निर्माण है वह सूरज बड़जात्या ने ही करवाया था और अब जो है हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अब अगला सवाल, अब कल के सवाल का जवाब। कल हमने पूछा था चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। यह 15 से 17 फरवरी के बीच हुआ था और यह हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ था। इसे आयोजित किसने करवाया था? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन हमारे देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया था और समापन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। अब अगला सवाल है, महिला सुरक्षा के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा 112। महिला सुरक्षा के लिए 112 राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किसने किया था? इसे लॉन्च हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 18 फरवरी 2019 को किया था। इसके साथ साथ उन्होंने 112 नाम का ऐप भी लॉन्च किया है और यह अभी हाल ही में जो 18 फरवरी को लॉन्च किया गया था उस दिन 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया। सबसे पहला राज्य कौन है जिसने इसे लॉन्च किया है? सबसे पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसे पहला पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। अब आगे आगे है आज का सवाल। आज का सवाल है, सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 73वां देश कौन है? और दूसरा सवाल है, नामवर सिंह का 20 फरवरी को निधन हो गया, वह कौन थे? तो आप लोग जो है, जो मैं सवाल डेली पूछता हूँ उसका दो ही सवाल तो पूछता हूँ और आप लोग जो है जो दो सवाल मैं पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए और पूरे वीडियो को देखें। देखिए मित्रों, ऐसा है कि जो भी अब एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। तो करंट अफेयर्स पे का जो अध्ययन है आप लोग डेली जरूर किया करें और मैं जो वीडियो बनाता हूँ बस आप एक इस वीडियो को देख लिया करें। इससे अलावा इसके जो वीडियो में मैं बताता हूँ उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं इसी वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लेता हूँ और आप जो है इस वीडियो को देखा करें, डेली उठा करें। सुबह में उठे तो सबसे पहले वीडियो को आप ज़रूर देखा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि रात को 12 से 1 के बीच वीडियो डाल दिया करूँ और मैं डाल भी देता हूँ। तो आप लोग जब भी सुबह में उठे तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का जो मैं वीडियो डालता हूँ उसे आप ज़रूर देखें। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।